बनेलिया समया माता मंदिर का कपाट लॉकडाउन के कारण 2 महीने से बंद था, जिसे सोमवार की सुबह प्रदेश सरकार के सशर्त आदेश पर श्रद्धालुओं के लिए खोला जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो जाएगा। ऐसे में कोरोना जैसी महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पूरे मंदिर को सैनिटाइज कराया जा रहा है। साफ सफाई का ध्यान रखते हुए श्रद्धालुओं में सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए मंदिर के बाहर गोले बनाए जा रहे हैं, जिसमें श्रद्धालुओं में कम से कम 1 मीटर की दूरी बनी रहे। मंदिर के पुजारी जितेंद्र पांडे जी ने बताया कि इतने दिनों बाद मंदिर का कपाट खुलने जा रहा है, जिसे लेकर माता के भक्तों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पूरे मंदिर को सैनिटाइज कराया गया है। मंदिर के बाहर गोले बनाए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं में सोशल डिस्टेंसिंग रहे। माता के दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं के मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा और हाथों को सैनिटाइज कराकर ही मंदिर के अंदर 2-4 करके प्रवेश किया जाएगा। महीने बाद मंदिर का कपाट खुल रहा है तो लोगों में कोरोना ना फैलने पाए, इसको लेकर क्या एहतियात बरते गए? तो यहाँ पे सैनिटाइज किया गया है चारों तरफ और गोला बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ, और माता की बड़ी कृपा है और इतने दिनों बाद मंदिर खुल रहा है और इस देश में जो भी है परेशानियाँ हैं, जो समस्या है, माता की कृपा है, लोग भक्तों में बड़ी उत्साहना है। इतने दिनों बाद मंदिर खुल रहा, लोग आते हैं, बड़ी श्रद्धा है माता जी का, माँ बनेलिया का मंदिर है, और हम लोग सावधानी बरत रहे हैं, सबको दो दो पच पच करके, दो दो करके, चार चार पच पच करके इसे मंदिर में दर्शन करवा रहे हैं और कल से दर्शन होगा। बड़ी ही माता जी की कृपा है और माँ बनेलिया का आशीर्वाद है इस मंदिर में, इस नगर में, इस पूरे विश्व में माता जी की कृपा है, उनके ऊपर कृपा बनी रहे, किसी को कुछ भी ना हो, और माता जी से ही मनाते हम लोग। जय माता जी।